व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वास सुशांत निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। गाइस, आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं होएंगे भाई खुश, क्योंकि कैरी भाई का वीडियो आया है और कैरी भाई के वीडियो हमको बहुत पसंद है। वैसे तो दो चार यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, बहुत ज्यादा फेवरेट लगते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी भी बनाते हैं, क्वांटिटी कम करके क्वालिटी ज्यादा बनाता है। तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा है, बिल्कुल, क्योंकि क्वांटिटी में तो बहुत आ ही रहे, आप देख ही रहे हो। तो सीधा यार कैरी मिनाटी की वीडियो, ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो का नाम है डेली व्लॉगर्स पैरोडी, ठीक है। तो मजेदारी हुआ कैरी का है, तो सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम ये कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन दो। और गाइस प्लीज, नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा। तो कैरी भाई के फैंस जुड़ जाओ और एंजॉय करो और चैनल को शेयर करो, जरूरी है ना। बाकी कैरी भाई, लव यू यार भाई, वो हमारे ऑडियंस को बताए क्यों आपको ज्यादा प्यार करते। चलो ठीक है, बिल्कुल वीडियो पे आ जाते हैं। और ये डिस्क्लेमर दिया है कि भाई सिर्फ रूखा फिर बॉलर ने ऐसी बाउंसर डाली, हेलमेट वाला कैमरा भी टूट गया गाइस। और उससे पैसे लेने चाहिए नहीं, आप कमेंट करके बताओ। हाँ लिख देना, ऊपर से साइकिल चला चला के मेरी जांघें और खराब हो गई हैं और वो रिटायर भी नहीं हुआ। वैसे गाइस लगता है कोई और स्पोर्ट से कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। गाइस आप पीछे मेरी क्रिकेट की भी देख सकते हैं, बहुत प्यार से ली थी मैंने, वो रिटायर नहीं हुआ। सही, वो रिटायर हो जाता उसका क्या जाता, लेजेंड तो वैसे ही बने हुए हो, अब अगले साल फिर से साइकिल चलानी पड़ेगी। और साइकिल चलाना चले गाइस, कंटेंट साइकिल जरूर चलनी चाहिए, इसलिए आज हम जा रहे हैं मोनू के फ्यूनरल पे। चलो अभी हम नीतू के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। अरे यार नीतू, मैं आ रही हूँ ना, पी 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 लगा रखा है। अरे भाग का रही है, सुन तो। इतनी देर का लगा दी, उल्टी किया है भाई। तूने व्लॉग किया, बता। तेरा कल वाला व्लॉग देख के तू उल्टी कर रही थी। अरे रे मोटे, तू ज्यादा बोलने लग रही है ना, एक घुसन मारूंगा ना तेरे। अरे घुसन, मेरे को घुसन मारा है तो ये सब अपने व्लॉग में मत बोल मोटे, भूल गया पिछले बार जब मेरे वजह से थाने जाना पड़ गया था। अरे यार उस दिन तो सही के बर्थडे बम्स खाने पड़ गए थे। अब जा नहा ले, फ्यूनरल भी तो जाना है। अरे एक चाय तो पिला दे यार। तो गाइस रितु हमेशा नखरे दिखाती है जब भी मैं उसको चाय के लिए बोलता हूँ, लेकिन बहुत प्यारी लड़की है, हमेशा मान जाती है। प्यारी लड़की से याद आया, ये देखो गाइस कंटेंट। अरे ये भैया ये कौन है? कुछ बेटा पापा आम खा ले आपका। कुछ मुबा बोलो भैया, मुबा। पापा परेशान करना बंद कर दो, मैं बड़ी हो गई हूँ। कौन पैंट से बड़ी हो गई है? हाँ। अरे बाप रे। अरे कुछ बोलो मुबा, ला ला ला, गुड गर्ल। गाइस बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल। पर पापा आपने तो मेरा पूरा चाइल्डहुड ही व्लॉग किया है, तो आपको तो पता चलता ही होगा ना। अरे नाइस यार, बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। गाइस बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं, लगता है तीसरा करना पड़े। नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, चाय। चाय का तो इतना शौक है ना, ये चाय बताऊं गाइस। चाय शौक कैसे नहीं होगा, तेरे पापा ने भी तो दहेज में छन्नियां दी थी, पिलाएगी? ऐसा मत कर। ये चाय की प्याली ना हमारे फैंस ने गिफ्ट की थी, तो गाइस ऐसे महंगे गिफ्ट हमें मत भेजा करो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है हमको। मोटे तूने पिछले व्लॉग में खुद ही तो एड्रेस रिवील कर दिया था, 721 सेक्टर 8 नोएडा में रहते हम। उसने इतनी मतलब था ना था कि आप लोग हमें बर्थडे केक भेज सको, पर गाइस ऐसे ना महंगे गिफ्ट यहाँ मत भेजा करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ वो हमारे नागपुर वाले फ्लैट पे भेज देना, 321 गली 6 महिपाल कॉलोनी, सुनाएगा। तो गाइस मैं फ्यूनरल के रेडी हो चुका हूं, अभी आपको जाकर वहां पे आउटफिट दिखाता हूं कैसी है। अबे यार अरे यार अरे यार तो झुका भी नहीं जाता है मोटे। कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मोटे
ये क्या पहन लिया? अरे अभी उठानी है, उड़ानी नहीं है। यार कभी तो पहनने दिया कर पायलट वाली, 5 साल से नहीं पहनी है। तो मैंने कहा था केस ठोकने को। अगला केस तलाक का ठोक दूं, बकवास कर रही है। कुछ तो ऐसा हुआ था शायद। Hey guys, good morning. Welcome back to my vlog. Guys, just अभी पीसा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, दाल चावल। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछे थे आप लूजर्स दाल चावल कैसे खा सकते हो, तो लोगों को बताना चाहता हूं, गाइस हम डिनर में पोहा भी खाते हैं। क्या क्या बोला पीयूष? तो गाइस पीयूष ने फिर से कुछ बोल दिया, एक बार इस बार ना फिर से सुनते हैं। भूख लग रही है। अरे आपका आधा ब्लॉग तो मेरी बातें रिपीट करने में चला जाता है। पीयूष कह रहा है हमारा आधा ब्लॉग तो उसकी सारी बातें रिपीट करने में। गाइस हमने पीयूष के लिए एक और ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। गाइस पीयूष का ब्रेकफास्ट आ गया है। बेटा सौरदा को थैंक यू बोलो, इसके लिए, इस जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए। तो गाइस पीयूष ने अपना ब्रेकफास्ट पी लिया है। अब चलते हैं मोनू के फ्यूनरल पे, पर उससे पहले पीयूष को स्कूल छोड़ेंगे, और उससे भी पहले चाची के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, और उससे भी पहले पिछला वाला ब्लॉग होगा। अरे मेरे बाप। तो गाइस बहुत दिनों से चाची जी को सरप्राइज नहीं किया था, व्यूज कम हो रहे थे, तो आज चाची जी को सरप्राइज करते हैं। अरे देखो गाइस चाची जी आ गए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? दिन में। अरे चुप रहो। अरे चाची जी आपके लिए सरप्राइज है। अरे तो एक देखो लो ना, पहले ये बांध रही हूं, मुझे पता नहीं क्या। अरे ये लो। ये क्या है इतना बड़ा डब्बा? हां क्या है इसमें? क्या घर? अरे खोलो, घर के आइटम है क्या? चल ये तो तुमने मेरे को काम में लगा दिया। हां ये तो एक और डब्बा है, तो खोलो। अरे ये और बीच आ गया पीछे। मैंने बोला ना मेरा गिफ्ट है। पीयूष शरारत मत कर, इसको तुमने सर पे चढ़ा दिया। और अच्छा इधर दे दो, इधर मम्मी जल्दी खोलो ना, एंगेजमेंट नहीं आती, सोड़ता मेरे को पेल देते। अरे खोल रही हो ना, और बच्चों को नहीं गिफ्ट देना, जल्दी करो, कागज में पैक कर दे। साल लगाओ बढ़िया। ये तो आईपैड है, सरप्राइज। अरे ये तो, ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ इसमें चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या हम लोग सब कुछ? सरप्राइज चाची जी, सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं गार्डन, मैं आपको गांव भेज दूंगा, दोबारा गांव भेज दूंगा, दोबारा चिपकाना पड़ेगा। अरे सरप्राइज। ये क्या है सिलबट्टा? थैंक यू बेटा। अरे पागल औरत, आईपैड है, एप्पल। थैंक यू बेटा। ये चलाते कैसे बताना मेरे को, तो इसको कैसे चलाएंगे? अरे बेटा एक मुझे भी चाहिए। अरे आपको पिछले हफ्ते तो दिया था कड़ा। अरे उसका कलर वाइट है, मुझे ग्रे चाहिए। ठीक है। और तो गाइस अगले हफ्ते चाचा जी को सरप्राइज देंगे। थैंक यू। और मुझे तुझे अभी दी तो दी पिछले की बोतल, कितना गिफ्ट है? अरे सही 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 सही। गाइस ये देखो कॉफी बीन्स, एक बार चाची ने चने समझ के खा लिए थे, फिर पूरी रात भाग रही थी। गाइस ये देखो कॉटन, ये चाचा जी के नाभि से निकलते हैं, इसे हम कलेक्ट करते हैं। गाइस ये देखो अवार्ड, इसे मैं अगले हफ्ते पैक करके अनपैक करूंगा। गाइस ये देखो अंदर देखते क्या है। अरे पीयूष तू यार बताना, पीयूष व्हाट आर यू डूइंग? पीयूष तो दे यार, अब तो घुस जाएगा। गाइस हम थार में पहुंच चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पीयूष सैड है। पीयूष सैड क्यों है तू? बता प्लीज, बता पीयूष। पीयूष भाई सैड? पीयूष। अबे पीयूष पीयूष क्या लगा रखा है? पीयूष है नाम मेरा, बचपन तो तूने कंटेंट बना बना के दिया, और अब तू मुझसे बोल रहा है कि मैं सैड क्यों? अबे जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है ना इसमें, उस हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए था पीयूष एंड सौरभ व्लॉग। सेवन्थ में 2 बार फेल हो चुका हूँ मैं तेरे चक्कर में। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तेरे को एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग बनाने का मन करता है। अबे रट्टा मारने के 500 रिटेक दिए थे मैंने उस रात, मैं सो नहीं पाया। अगले दिन एग्जाम में सो गया, रिजल्ट आया, पापा मम्मी ने कूट दिया, और तूने भाई साहब उस कूटने का भी वीडियो बना दिया और टाइटल डाल दिया कि पीयूष की हुई ठुकाई, सैड इमोजी। तू चूतिया उतिया है क्या भाई? ये आदमी है ना एड रेवेन्यू के लाखों रुपए कमाता है, पर मेरे को ब्रेकफास्ट में देता है बिस्लरी की बोतल, हम लोग को दाल चावल खिला के यूट्यूब फैन फेस्ट में जाता है और खाता है रिसोटो फॉर्म वाला। अरे टट्टी में सब लोग बैठ जाते पर बोलते हैं वेलकम गाइस, हग रहा हूं मैं। अरे टीचर भी अब मुझे चूतिया का भाई बुलाने लग गई है, और ये बोल रहा है कि मैं सैड के हूं। तो एक बात बता भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर्स आए, हेलो करें। हेलो देख, अरे लगता है पीयूष स्कूल चला गया। बाप रे,
नमस्कार YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? गाइज हम फाइनली मोनू की नियत पे पहुंच चुके हैं और पीछे मेरी बीवी अरे यार, एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, बीवी नंबर एक, ये बीवी नंबर दो। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, हम कुछ उन्हें व्लॉग्स के रूल बता दे, जिससे कि हर 5 मिलियन सब्सक्राइबर एड होने पे नई बीवी आएगी। दो वाइफ वाला, उसका नाम नहीं पता मेरे को दाढ़ी ऐसी लगी ना, पर दाढ़ी अभी दो वाइफ दिखाई तो, अरे वो समझ गया ना, अरे वो यार अभी दो प्रेग्नेंट भी थे उसकी वाइफ, वो है एक है, हाँ, कोई तो है ना, हाँ, वो वही है, कंट्रोवर्सी भी बहुत चलती है उनके पीछे, शायद कभी क्या कोई रिवील कर देता, कभी कुछ रिवील करता है ना, कुछ तो ऐसा है। दो वाइफ है मेरे को पता है, मैं देखता, मतलब वो मेरे को पता नहीं, मैं क्यों देखूं, मैं वो नहीं देखता मैं तो, मेरे को लगा गौरव भाई है दाढ़ी से, बट मैं कंफ्यूज हो गया। तो अभी है ना, क्योंकि ऐसे अच्छा 1-2 वाइफ लिखा ना, तो मतलब वही होगा फिर, चलो वही होगा, आगे देखते हैं, थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं, ठीक है इनसे, क्योंकि गौरव भाई भी ब्लॉक करते ना, तो मेरे को थंबनेल से ऐसा थोड़ा लगा था कि ये गौरव तो नहीं अपना। अच्छा चलिए शुरू करते वाला, नंबर दो। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, हम कुछ उन्हें व्लॉग्स के रूल बता दे, जिससे कि हर 5 मिलियन सब्सक्राइबर एड होने पे एक नई बीवी आएगी, 6 घंटे में हमारे 1 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो एक नया बच्चा अनबॉक्स होगा। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा वापस अंजू के साथ होगा या नहीं। संग्राम जी, संग्राम जी इधर आइए। क्या हो गया बाबू, ये हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा मेकअप खराब है क्या? अरे मेकअप एकदम टिप टॉप है, बस इनका ना थोड़ा आईलाइन कम है। ये देखिए आप, जब इस पे +1 लिखा है तो दो जन को एंट्री कैसे दे दें? जब मेरी दो बीवियां हैं तो मैं +1 कैसे करूं? इन दोनों को वेल्ड करवा दूं? ये रोबोट थोड़ी है। कुछ बोलो। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। गजब लोग हो यार। गाइस हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, इंसान चैन से दो बीवियां नहीं रख सकता है। और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं? तो उन लोगों को मैं बता दूं, मैंचो थ्रीसम सुना है? थ्रीसम, अरे शान हो गया यार, मैं कॉन्डम खरीद खरीद के। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये मैकेनिकल गौरव जी यहाँ कंटेंट खाने आया, साला कुत्ते की मैयत पे भी आ गया। एक टू नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ये एकदम मेरे को ऐसा लगा था, नहीं क्या तो मैं कंफ्यूजन हो गया, ये गौरव भाई है। चलिए शुरू करते वाले जी, दिखिए दोस्तों, दिखिए दोस्तों, आओ इनको दोस्तों नया आईपैड है दोस्तों, मेरे पास आते रहता है दोस्तों, चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। गाइस क्या है पता है क्या, शुरू करते हैं। हम लोग बहुत रेयर यूट्यूबर्स देखते हैं, जैसे कि जैसे पता है मेरे को जो पहले के आए दो, वो एक दो वीडियो देख चुके हैं उनके, ठीक है, और ये गौरव भाई वो भी इनका तो बिल्कुल नहीं देखा, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल गौरव भाई, तो यार चलो गौरव भाई, गौरव भाई और जो फ्लाइंग बिट्स है, चलो उनको तो मैंने ये कर सकते कि यार भाई बता, फ्लाई ये है गौरव भाई, इतना बड़ा बिल्कुल मतलब टेक्निकल ये है। और मैं बताऊंगा मैंने लास्ट कौन सा हनी सिंह वाला देखा था, इसलिए मेरे को जो अपने टेक्निकल गुरु जी उसका व्लॉग पता है, क्योंकि हनी सिंह वाला जो प्यार की पहली वाला बनाया था ना, बिल्कुल, तो वो मेरे को याद है। फ्लाइंग फ्लाइंग बिट्स और गौरव भाई का तो ऑब्वियस उनका देखना बनता भी है यार, इतने टैलेंटेड लोग हैं, बाकी नहीं देखते अपन। चलो मेरा कंटेंट खाने आया, साला कुत्ते की मैयत पे भी आ गया। टेक टू, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नाइस नाइस, अरे बहुत बढ़िया है दोस्तों, मैं आ गया हूँ दुनिया की सबसे कॉस्टली सर्दी के सामने, जहाँ मोनू द डॉग का जनाजा जाने वाला है। आई एम नॉट श्योर ये ब्रांड कौन सा है, पर इसकी ग्लास छू के पता लग रहा है आज की औकात के तो बाहर का ही है। दोस्तों यहाँ 4 मोमो भी पड़े हैं, टेस्ट करके बता दो कैसे है। अरे मैकेनिकल भाई, ये मोमो नहीं मोदक है। दोस्तों ये बिन प्लेन का पायलट मुझे मोमो और मोदक में फर्क समझा रहा है, मोनू के मोमो का। प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है, ये प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, गरीबों चूतिया जल्दी लगा इसे। दोस्तों हर व्लॉग की तरह मैं इस व्लॉग में भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो दोस्तों पैसा, ये लो गरीब व्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा। ये देखो गाइस, गरीब अपना पेट भर लेंगे मोनू की मैयत की। ये देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। ये देखो दोस्तों मैंने सोने की ब्रा भी पहनी हुई है। आप तो बबला लग रहे हो।
दोस्तों मैं इस चूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे पे सोने का है, ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है, मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है, जग सोना सोना लागे दोस्तों। तो गाइस हम फाइनली सब परिवार मोनू के फ्यूनरल पे पहुंच चुके हैं, काफी सारी लाइटिंग कर रखी है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सौरभ आया हुआ है, आंखें बंद। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ गौरव भी आए हुए हैं और गौरव भैया भी आए हुए हैं। अरे गौरव भैया कैसे हो? तो गाइस कमेंट करके बताओ सारे ब्लॉगर्स का नाम गौरव क्यों होता है, सौरभ क्यों नहीं होता? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे गौरव सौरभ ब्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे, यूट्यूब को एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता है यहाँ एक मिनट भी। That's it for today's vlog. Like, share करना है तो करो वरना मत करो, मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं। तुम लोग I'm the best, मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग में। अरे रे, अरे भाई, अरे यार प्रेम ने क्यों आए, अरे प्रेम ने क्यों आए, हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। आप प्रोबो पे जाइए, अपनी नॉलेज से जाके डायरेक्टली, अभी अभी रुक जाओ, अभी नहीं वाला नॉर्मल वाला, हाँ हम बता देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। कोकेन से बढ़िया चाय है। समंदर के जैसे बढ़ती। नाइस भाई, नाइस यार, वेरी नाइस भाई, ये समुंदर एकदम एकदम। ये गाना कौन सा वाला था, देखना पड़ेगा यार। हाँ, मैं इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि अगर आगे आने वाला होगा या आ गया होगा तो बाकी सुनने को अच्छा रहेगा। बिल्कुल हाँ, तो गाइज ऑफ कोर्स कैरी भाई के मजेदारी रहते हैं। बिल्कुल एकदम प्यार से, अगर आपको म्यूजिक वीडियो, अगर कोई भी म्यूजिक मतलब रैप आता है भाई का, तो आपको जुड़वास टीवी पे जाने का, जुड़वास टीवी को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि वहां पे म्यूजिक वीडियोस रिव्यू होते हैं और यहाँ पे कॉमेडीज और जुड़वास वर्ल्ड वाइड पे मूवीज रिलेटेड है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज अगर जैसे कि भाई ने क्या है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत बट क्या है, गाली वाली तो भाई के रहते, वो नहीं रहेगा तो फिर टेक्निकल गुरु जी को जो किया है, कॉपी जो किया है ना भाई। देखो गाइज मैं वो दोस्तों, मैं उनको नहीं पकड़ पाता, वो जो दो वाइफ वाले भाई है ना, क्योंकि मैंने उनका देखा ही नहीं है, बिल्कुल तो मैं जानता ही नहीं उनको और उनकी स्टाइल भी नहीं पता। सौरभ भाई को भी हमने देखा होगा तो वो हमारे जो हम मीम्स करते तो मीम्स में क्या छाया रहता ना भाई, तो तब देखा है समझ लो। हाँ बट मैं गौरव भाई को, दोनों भी गौरव भाई को देखा है, दोनों भी गौरव भाई एक तो वीडियो देखा होगा, मैं ज्यादा मतलब ये देखता नहीं हूँ मैंने, क्या हम लोग ये ऐसे अभी तो कॉमेडी वाले इसमें है तो ब्लॉग्स तो छोड़ दो। मैंने तो गाइस तो उनको नहीं देखा था, इसलिए मैंने क्यों देखा था वो दोनों, क्यों, एक तो टेक्निकल गुरुजी का तो मैं ऑब्वियस, मेरे को कुछ कैमरा मेरा कुछ भी ऐसा देखना रहा तो मैं गौरव बाजी का वो एक ले लेता हूं, वो टेकिंग टेक हो गया या तो फिर वो अपना दो तीन अपने पब्लिक वो भाई है ना यार बर्नर, उनका देख और बहुत सारे ऐसे और फ्लाइंग बीट्स भाई का वो कुछ तो देखा था मैंने। हाँ, अरे वो उड़ाने वाला देखा था मैंने, मेरे को इतना यार उनके वजह पता है तो उनको वो दो वाइफ वाले भाई का तो देखा ही नहीं। तो भाई मजा आएगा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से लिया है, गाली तो रहती है भाई के इसमें तो छोड़ो, तो गाइस इसके मजा भी नहीं आता भाई का। बिल्कुल वही है, तो आप अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी माफ कर देना ना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट।